आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट की। जो एक जंगल होता है उसे में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है टिम्बर वाले प्रोडक्ट्स और दूसरा है नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट हैं जो हमें एक फॉरेस्ट से मिलते हैं, जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं और वो हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल, काफी लाभदायक होते हैं। अब इन दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स की बात थोड़ा डिटेल में करें। टिम्बर नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये सारी लकड़ियां, टेयर, चेयर, टेबल, अलमारियां आती हैं। क्यों? क्योंकि टिम्बर का मतलब ही यही है, लकड़ी वाले प्रोडक्ट्स। जैसे कि फायरवुड जो हम आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे चूल्हा चौका भी जलाते हैं, वुड पल्प जिससे पेपर बनता है, और फॉरेज जो कि लाइफ स्टॉक वगैरह फीड करते हैं जिस पर कि टिम्बर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। उसके अलावा नॉन वुड प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। जैसे कि नट्स मिलते हैं बहुत सारे जिन्हें हम मजे से खाते हैं, रेजन्स मिलती हैं, गम्स मिलते हैं, एडिबल फ्रूट्स मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। और ये जो NTFPs होते हैं, यानी कि नॉन टिम्बर वाले फॉरेस्ट के प्रोड्यूस, ये रिलेटिवली लेस नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे देन टिम्बर प्रोडक्ट। क्योंकि टिम्बर प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, वुड ऑब्टेन करने के लिए हमें पेड़ को काटना पड़ता है और उससे डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। लेकिन ये जो नॉन वुड टिम्बर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर हमें फ्रूट्स चाहिए, हमें ऑयल चाहिए या हमें रेजन्स चाहिए, तो ये तो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट कटिंग द प्लांट। इसलिए जो नेगेटिव इफेक्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को लेने से कम पड़ता है और ये ज्यादा हेल्दियर ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू टिम्बर प्रोडक्ट। पर टिम्बर प्रोडक्ट्स की भी अपनी उपयोगिता है जिसके कारण हमें वो चाहिए ही होते हैं। यूजेस ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का हम कैसे कैसे क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। हम उससे कुकिंग करते हैं, एनिमल्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन बनती है उनसे, हाउस होल्ड भी उनसे अपना लाइवलीहुड कमाते हैं, इनकम जनरेशन में वो काम आता है। उसके अलावा फॉरेस्ट की इंडिया में एक कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यू है और उनकी बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है। उसके अलावा रेवेन्यू भी जनरेट होता है बहुत सारी कंट्रीज से फॉरेस्ट के द्वारा, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व अगर एस्टैब्लिश करते हैं तो यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट हो जाएगी और साथ में इको टूरिज्म के माध्यम से रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है। और जो अमेरिका जैसी कंट्रीज है वहां पे इको टूरिज्म और नेचर टूरिज्म ही हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मेडिसिनल प्लांट्स भी तरह तरह के हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो प्री हिस्टोरिक यानी कि आदि मानव के समय से चलते आ रहे हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका वो भी इस्तेमाल किया करते थे। अलग अलग तरीके का फ्लोरा, फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, उनका हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, जिनसे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लगभग 80% वर्ल्ड की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इन्हीं ट्रेडिशनल मेडिकल प्लांट्स पर डिपेंड करती हैं अपने प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहां पर ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है और डिपेंडेंसी इन पर ज्यादा होती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए होते हैं और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर बहुत एक्सपैंड कर गया होता है, तो वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो डिमांड है मेडिसिनल प्लांट्स की वो स्टिल कॉन्टिन्यूसली राइज करती जा रही है, क्योंकि वहां पे भी ये फैक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है कि जो मेडिसिनल प्लांट है वो बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत ही बेहतर क्योर कर देते हैं अपार्ट देन द मेडिसिन। तो इसीलिए इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गया है समाज में और इनका डिमांड भी इसीलिए बढ़ रहा है। इम्पॉर्टेंट होते हैं ये एलोपैथिक मेडिसिन की कंपेरिजन में, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं और इनके अगर इनको सही से उपयोग करा जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज और लाइवलीहुड, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फॉरेस्ट से बहुत सारी ट्राइबल और पुअर लोगों का लाइवलीहुड भी जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोग जैसे कि मोगरा ट्राइब जो है, जो कि राजस्थान में जो इकोनॉमी है उसमें भी फॉरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो मीन्स ऑफ लिविंग ही है उनका फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोड्यूस, और वही उनका सोर्स ऑफ इनकम भी है। जो रॉ मटेरियल है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, फ्यूल वुड, चारकोल जिनसे की एनर्जी मिलती है कुकिंग के लिए और बाकी हीटिंग के लिए घर में, वो सब भी फॉरेस्ट से मिलता है। उसके अलावा रूरल हाउस होल्ड में जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फूड फूड फ्यूल मेडिसिनल प्लांट्स,
और कंस्ट्रक्शन मटेरियल इनको बेचकर खरीद कर इनसे इनकम भी जनरेट करी जाती है, और ट्राइबल लोग भी ऐसा करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियों को भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, जो स्पेसिफिकली टिम्बर है, वो बेचकर पैसे कमाते हैं। जो फॉरेस्ट है वो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उन्हें अर्निंग प्रोवाइड कराता है। ब्राजील, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया जैसे देशों में तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, फॉरेज, क्रॉप, लाइफ स्टॉक, ये सब भी फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है। साथ ही में पॉलिनेशन क्रॉप्स का बहुत अच्छे से फॉरेस्ट में होता है और नेचुरल तरीके से होता है, तो कोई जो प्लांट है वो एक्सटेंट नहीं होगा अगर हम फॉरेस्ट को आराम से रह लेने दें, उनको ना काटे तो। और साथ ही में ये नेचुरल डिजास्टर्स से भी प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट है उसमें ट्रीज हैं, ट्रीज हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, सॉइल इरोशन नहीं होगा उससे, नेचुरल डिजास्टर्स फिर नहीं होंगे, लैंडस्लाइड नहीं होंगे, सॉइल नहीं खिसकेगी। हमने देखा है कि 1.5 से 2 बिलियन तक लोगों को 1.5 से 2 बिलियन लोग फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी इनकम के लिए, और वहां पर रहने वाले इंडिजीनियस कम्युनिटीज भी फुल्ली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने फॉरेस्ट को बचा के रखें और उन्हें डिग्रेड, डैमेज ना होने दें।